नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मैं आपको बोलूं कि अब धूप के साथ साथ हवा से भी बनाएगा जो सौर ऊर्जा चार्ज होती है, हाइड्रोजन सोलर पैनल जो हैं वो अब धूप के साथ साथ हवा से भी चार्ज होंगे। मतलब यह एक हाइड्रोजन सोलर पैनल है और इसकी एक आज लेटेस्ट अपडेट आ रखे हैं। चलो इसके बारे में नीचे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों का आगमन लगातार हो रहा है और अब हाइड्रोजन सोलर पैनल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सोलर पैनल केवल धूप से नहीं बल्कि हवा से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इस तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि इससे यूजर्स को अन्य पारंपरिक सोलर पैनल की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलेगी। हाइड्रोजन सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ धूप और हवा दोनों उपलब्ध हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन सोलर पैनल और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आए हैं। ये पैनल दिन के समय में सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पन्न करते हैं और रात के समय में हवा में मौजूद नमी से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। यह तकनीक अन्य देशों में पहले से अपनाई जा रही है और अब भारत में भी इसका निर्माण तेजी से हो रहा है। इस पैनल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप इससे उत्पन्न बिजली को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके बिजली के खर्चों में कमी आती है। इसके अलावा हाइड्रोजन सोलर पैनल का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि यह घरेलू उपयोग के लिए और छोटे व्यवसायों के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद साबित हो रहा है। हाइड्रोजन सोलर पैनल एक विशेष तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसे फोटो कैटलिटिक वाटर स्प्लिंटरिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हवा में मौजूद नमी को उपयोग में लाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। पैनल के बेस में लगे ट्यूबों में इन गैसों का कैप्चर किया जाता है। जब सूरज की रोशनी इन पैनलों पर पड़ती है तो कैटलिटिक कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु एक दूसरे से अलग होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। हाइड्रोजन सोलर पैनल की उपयोगिता केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इन पैनलों के माध्यम से हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल वाहनों के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। जापान में कई कंपनियां इस दिशा में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर शोध और विकास कर रही हैं, जिससे यह तकनीक और भी उन्नत हो सके। इन पैनलों की एक खासियत यह है कि यह 24 घंटे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसका मतलब कि उपयोगकर्ताओं की सभी बिजली की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, चाहे दिन में हो या चाहे रात में। दोस्तों, ये थी कुछ हाइड्रोजन पैनल की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी। कुछ लोग बोल रहे थे भाई मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं बीच में, तो जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ता हूँ कोई भी आर्टिकल को तो बीच में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, तो भी तुम मेरे साथ इस आर्टिकल को देख लिया करो, जहाँ पर मुझसे गलती होती है उस चीज़ को सुधार लिया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।